टीवी हो, दुबई का मुशायरा हो, लाल किले का मुशायरा कवि सम्मेलन हो, इस समय उर्दू काव्य मंचों का, शायरी का सबसे लोकप्रिय युवा नाम मध्यम सक्सेना आपके बीच में है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको बुलाइए। मध्यम सक्सेना, इस माइक का तो लगभग लगभग पिंडदान हो चुका है। सही आ रहा दीदी फोटो? डेढ़ साल हो गए शादी को, अब तो दीदी कहने को बचा है। मुझे तो डर ये लगता है मैं धोखे में अपनी बीवी को दीदी ना कह दूं किसी। देखिए, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं वो नाजुक सा धागा हूं जो इन बेशकीमती मोतियों को एक माला में पिरोने का काम कर रहा है। खेल लगभग लगभग हो चुका है, दीदी का भी हो गया, निपटा दिया। अभी वो एक पता नहीं क्यों ऊपर छत पे से आवाज लगा रहा था, उसको मालूम नहीं है पूरा आईआईटी बैठा हुआ, सबने आवाज लगा, वो अपनी वाली के चक्कर में था, उसको दिख गई कि भाई सब लोग यहाँ हैं, तू आ जा, इधर से सबने आवाज लगा दी। देखिए, सब बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, मर्यादा में रहकर अपना काम करना है। मेरे बाद एक ऐसा बड़ा नाम नीलोत्पल मृणाल भैया, उनको समय मुझे ज्यादा देना है, वो आप तक पहुंचेंगे, आपके काम की बातें करेंगे, मैं तो कोई काम की बात करूंगा नहीं, मैं तो इश्क मोहब्बत की बात करने वाला हूं। अच्छा, ये काम की है? अच्छा, मुझे मालूम नहीं रहा, ऐसे बतकते रहे। आइए, आप थोड़ा जल्दी आ गए, हम ही थोड़ा लेट, आप थोड़ा लेट आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। और आगे के सोफे पे जो हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, भगवान राम के खाऊ रख दिए थे और चलो पानी। बहुत खर्चा कर दिया आप लोगों ने मजाक मजाक में हम पर। मैं शायरी के हवाले से बात करता हूँ। देखिए, तमाम लोग बैठे, वो भाई चल गया, क्यों गर्लफ्रेंड का फोन? आज तो गार्ड साहब भी यही बैठे हुए हैं, बोले आज जो करना है गर्ल्स हॉस्टल के आगे करते हुए। चलिए, देखिए, दो तीन शेर मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुंचेंगे, मुझे तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप शायरी सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कानों तक मेरे लफ्ज पहुंच गए तो दिल तक तो मैं गारंटी लेता हूँ पहुंच जाएंगे। फरहत एहसास साहब का एक शेर है कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, यहाँ तमाम दोस्त हिंदू भी बैठे होंगे, मुसलमान भी बैठे होंगे, सिख भी बैठे होंगे, ईसाई भी बैठे होंगे, राजनीति, ये जो अभी दो तीन हज के छोटे रिचार्ज घूम रहे हैं, ये देश का भविष्य है, लेकिन इनके माता पिता जो भी हो, मुझे नहीं मालूम ना भाई, मेरा कोई योगदान ही नहीं है। भविष्य है लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर देंगे। शेर है कि ना, देखो माइक फिर गड़बड़ कर, भाई तुम एक बार में छेड़खाने, एक तो ये इन्होंने शीशा लगा दिया, बोले हम तुम्हें देखते रहेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं करोगे। शेर फरक एहसास साहब, माइक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं बोल दूंगा, घर में इतना चिल्लाता हूं चौथे मकान तक आवाज जाती है। उलझी उलझी बातें जाना मत सोचो तो अच्छा है, शायर तक दाद पहुंचे, न्यूयॉर्क जर्सी का एक शायर फरहत शहजाद, जो चार पंक्तियां कहता है आपके लिए, आईआईटी कानपुर वालों के लिए, कि उलझी उलझी बातें जाना मत सोचो तो अच्छा है, कौन कहां कब कैसा है ये रहने दो तो अच्छा है, और शाम गुजर की जाएगी तुम साथ नहीं तो तन्हा ही, लेकिन मेरी जान अगर तुम साथ रहो तो अच्छा है। देखिए, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे गाना नहीं आता और मैं फिर भी नहीं गा रहा हूं, ये आवाज कहां से निकाली? नहीं मत निकालो, दिन का समय पकड़ जाओगे भैया, और रात के समय वैसे नहीं निकालना, क्योंकि कोई आवाज नहीं निकलता, रात तो वैसे एक मकान से आवाज आएगी, उसके अलावा किसी से आएगी नहीं, वही पकड़ जाओगे आप, तो ये आवाज निकालना ही नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी निकलती है।
शेर देखेगा कि मोहब्बत कुछ तो है, कुछ तो है, यूं ये अफसाने नहीं होते। मोहब्बत कुछ तो है, यूं ही ये अफसाने नहीं होते। अगर होते तो हम मीरा के दीवाने नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा चित्तौड़ की मोटी दीवारों को लाम कर एक तारा लेकर पूरे मोहल्ले में भजन गाती हुई जा रही थी, तो किसी ने उसके पति को टोका और कहा कि तुमको बुरा नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी है वो दूसरे आदमी की प्रशंसा में गीत गा रही है, भजन गा रही है, तुम तो उसके पति हो, तुमको तो बुरा लगना चाहिए। क्या बात है, ये आप ही का हरकतों से मैंने अनुमान लगाया, मैं भी श्योर नहीं। मतलब देखिए, जिस जिसका बचपन ऐसा हो उसका बुढ़ापा कैसा होगा था। क्या बात है बेटा, खूब बड़े हो जाओ, खूब एक बार और आवाज निकाल। मान ही नहीं रहा, ये मम्मी इसी की है। मैं इशारा उधर भी कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, लेकिन आपका बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता। आप भी बैठ जाओ भैया, हाफ पैंट आरएसएस। मैंने इसलिए वकालत पहले की कविता बात नहीं, पता नहीं कब जमानत करवानी पड़ेगी। शेर सुनिएगा कि चांद को चांद, मैं लड़कियों के हवाले से कुछ नहीं पढ़ता हूँ, लड़कों के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, लड़कों की जिम्मेदारी है, आपकी बात रख रहा हूं। शेर देखेगा कि चांद को चांद, सितारों को सितारा कहना, चांद को चांद, सितारों को सितारा कहना, जो हकीकत में हमारा हो हमारा कहना। और शेर देखेगा कि क्या कहा, हमसे मोहब्बत नहीं निभाई गई। लड़कों जरा दाद देना दिल खोलकर, लड़कियों से सवाल पूछ रहा हूं लड़कों के हवाले से, चांद को चांद, सितारों को सितारा कहना, जो हकीकत में हमारा हो हमारा कहना। क्या कहा, हमसे मोहब्बत नहीं निभाई गई, बात ये दिल पे हाथ रख के दोबारा कहना, बात ये दिल पे हाथ रख के दोबारा कहना, कि दिले बीमार। चारागरी एक लफ्ज आएगा, चारागरी कहते हैं इलाज, क्योर, दवाई, है ना। क्योर मैंने इसलिए बोला कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश का शब्द। आप लोग ये ना समझे, मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं आईआईटी में पढ़ूं, लेकिन उनको ये और गर्व हो रहा है कि मैं आईआईटी में कविता पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है। सुनेगा कि बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, अगर पड़ोस की रानों से प्यार हो गया, रानू मंडल नहीं, उससे तो अंधा भी नहीं, बस केवल बहरा कर सकता है, क्योंकि आवाज कान में नहीं पड़ी होगी। सुनेगा कि दिले बीमार को अच्छी नहीं लगती, दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। पिताजी समझाते रहते हैं, बेटा मान जाओ तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन नहीं मानना है पप्पू को। सुनिएगा, दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे क्या हो गया, देखिए ऐसे थोड़ा सा मन खराब होता है, अच्छी शायरी पढ़े ना तो पहुंच गए। ये ले जाओ, ये काहे को अमिताभ बच्चन खड़े कर रखे हैं। देखिए वहां से बोलना बहुत आसान है, अगर आपको 5 मिनट के लिए नहीं, 5 सेकंड के लिए यहाँ आके माइक थमा दिया जाए तो शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से बोलने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आप लोग हमको देंगे। एक बार हिम्मत के साथ सुनेगा कि दिले बीमार को चार, टाइमिंग थोड़ी अच्छी रखो, आप दोनों की टाइमिंग अच्छी रही तो ये हुआ। ऐसे ही अगर सब लोगों की टाइमिंग अच्छी हो जाएगी तो जाने क्या हो जाएगा। सुनेगा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, इसे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे साथ इतना खूबसूरत वक्त गुजरा है, तुम्हारे बाल हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बाल हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती। एक शेर यह है कि तमाम लोग कहते हैं ना, बाबू तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लग रही, सब झूठ बोलते, बेकार की बात कहेगा वो, उसकी आंखों में इतने मोटे लेंस का चश्मा लगा, आंख छोड़ो कुछ दिख ही नहीं रहा, उसकी धुएं नहीं दिख रही, वो कह रहा उसकी
बाबू बाबू तुम्हारी आंखें अच्छी लगी, झूठ बोल रहे, कुछ नहीं आता, बेकार की बात। शेर सुनेगा कि आंखों पे उसकी शेर, आ जाओ आजा, आप भी आ जाओ, आधा शेर आए क्या, कोई बाप का जुगाड़ बाहर क्या, आंखों पे उसकी शेर। अब शायरी का माहौल दे दीजिएगा, मैंने बहुत कवि सम्मेलन कर लिया, अब थोड़ा सा कविता का माहौल दे दीजिएगा। हो सकता है ये व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए कोई गर्लफ्रेंड बनाने के काम में आ जाए, बहुत काम का शेर है। हो नहीं, सही कह रहा हूँ। आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते, तुम वक्त की तस्वीर बना ही नहीं सकते। आंखों एक की दाद आई, वो महिला की आवाज लगी मुझे, मैं नंबर बाद में बताऊंगा, मिलिएगा, मिलते हैं शेर। आंखों पे उसकी शेर सुना ही नहीं सकते, तुम वक्त की तस्वीर बना ही नहीं सकते। वो फूल हो तो चूम लो उस फूल को, मगर सुनिएगा दोस्तों, कि वो फूल हो तो चूम लो उस फूल को, मगर खुशबू को आप हाथ लगा ही नहीं सकते। खुशबू को आप हाथ लगा ही नहीं सकते। शेर देखेगा आईटी वालों, आपके माँ बाप अपने घर में बैठे हुए किस चिंता से ग्रसित होंगे, और आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत माहौल देकर आपकी पढ़ाई में सारा ध्यान, सारा धन, पैसा सब कुछ लगा रहे हैं, जिससे कि आपका भविष्य बन सके। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें, यानी कि खुली आंखों से सपने देखने। शेर मैंने बनाने की कोशिश की, आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। सहरा एक लफ्ज आता है जिसे कहते हैं रेगिस्तान। शेर सुनिएगा, खुली नजर से जो ख्वाब देखो तो फिर नजारा दिखाई देगा। खुली नजर से जो ख्वाब देखो तो फिर नजारा दिखाई देगा। वो जिसको सहरा समझ के बैठे हो उसमें दरिया दिखाई देगा। खुली नजर से जो ख्वाब देखो तो फिर नजारा दिखाई देगा। वो जिसको सहरा समझ के बैठे हो उसमें दरिया दिखाई देगा। और मेरी नजर में नजर पे इतना भरोसा करना सही नहीं है, मेरी नजर में नजर पे इतना भरोसा करना सही नहीं है। नजर भी आखिर नजर है प्यारे, नजर से क्या क्या दिखाई देगा। नजर भी आखिर नजर है प्यारे, नजर से क्या क्या दिखाई देगा। शेर अब आपकी मतलब का आ रहा है कि दिल के सब जज्बात जताने लगती है, दिल के सब जज्बात जताने लगती है जब कोई लड़की शर्माने लगती है। दिल के सब जज्बात जताने लगती है जब कोई लड़की शर्माने लगती है। शेर अगर हो गया हो तो मुझे बताइएगा कि ख्वाब में उसका फूल सा चेहरा देखें तो आंखों तक से खुशबू आने लगती है। ख्वाब में उसका फूल सा चेहरा देखें तो आंखों तक से खुशबू आने लगती है। मैंने कुछ नए, ये पापा किसको बोल रहा है, पापा पड़ोस में मैडम देख लीजिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी चीज। सामने मंच नीलोत्पल भैया, मैं तभी समझा ये लाल अंगूठा क्यों डाल के आए, खतरे का निशान है भाई। सुनेगा, मैं कुछ एक चीजें कोशिश करता हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, कविता गाई नहीं जाती है, बस मन से रोने का नाम कविता है, मन से रोने की कोशिश करूंगा। सुर मत देखिएगा, सार देखिएगा कविता का क्या हुआ, कोशिश करता हूँ। कोई तो रोग ऐसा लगा दीजिए, टाइमिंग भी अच्छी रखिए, वो चाय में आपने बिस्कुट पार्ले जी का डुबाया ना, टाइमिंग गड़बड़ हो जाए तो आधा बिस्कुट गड़ा, बस वो थोड़ी टाइमिंग का देखना है। कि कोई तो रोग ऐसा लगा दीजिए हमको, पत्थर की मूरत बना दीजिए, ये भी माना के हम भी खताबार हैं, और खता क्या है जिसको बता। चार पंक्तियां पढ़ के मैं निलोत्पल भैया को आवाज लगाऊंगा, तो आप तक आए और अपने विचार व्यक्त करें कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से हमको प्रेरणा दें। चार पंक्तियां देखेगा कि देखना याद आते रहेंगे तुझे, ये शाम गुजर जाएगी, उसके बाद शायद आप विचार करेंगे कि जो चार पांच मूर्ख आए थे वो एक आध बात तो काम की कर गए यार, है ना। सुनिएगा, कि देखना याद आते रहेंगे तुझे, हिज्र में भी सताते रहेंगे तुझे, शेर वैसे भी सारे तुम्हारे ही हैं, हम तेरी धुन में
चार बार हॉलैंड रहा, तो मुझे चार पंक्तियाँ मुनव्वर साहब की बहुत वहाँ याद आई, जिन पंक्तियों के माध्यम से मैं निलोत्पल भैया को आवाज लगाने की कोशिश करता हूँ कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है। एक घंटे में 8 या 10 लोग मेरे घर के आगे की खिड़की से निकल जाते थे, और यहाँ देखो तो जेसीबी खुदाई हो रही है तो 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब वहाँ पर कुछ है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं दिल्ली और एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे लगा हाँ यार ये अपना हिंदुस्तान है। मुझे वहाँ मुनव्वर राणा साहब के चार शेर याद आते हैं, और निलोत्पल भैया आप मंच तक आइएगा, मैं निवेदन करता हूँ कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने देश में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने देश में सब कुछ भैया अच्छा लगता है, माया मोह बुढ़ापे में इतने बढ़ जाते हैं, बचपन में बस 1 रुपया अच्छा लगता है। स्वागत करता हूं निरुपम भैया, वो आए।